मेरे सभी व्यूवर्स को नमस्कार। गोरखपुर में एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति, मैं अभी महसरा पुल पर खड़ा हूँ। रोर है वो पानी में डूब चुका है और हाल ही में अभी राष्ट्रपति आए हुए थे जिस यूनिवर्सिटी का उन्होंने उद्घाटन किया है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का, और सामने इस वीडियो में नज़र आ रहा है, उसकी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं दूर रेलवे क्रॉसिंग के उस पार, और वो यूनिवर्सिटी भी चारों तरफ इस बाढ़ के जल से, बारिश के पानी से घिरा हुआ है। और यह रेलवे का ब्रिज और इसके बगल से आपको फर्टिलाइज़र के पूरे अंडर कंस्ट्रक्शन का पूरा मैं फुटेज दिखा रहा हूँ। उसका भी कुछ एरिया जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी कुछ बाहर का एरिया, वो भी पानी में डूबा हुआ है। और यह फर्टिलाइज़र का, जो कि अब फर्टिलाइज़र नाम नहीं रह गया है, इसका हर नाम हो गया है हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड, यह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2022 तक इसको पूर्ण रूप से चालू करने का प्रयास है और यह भी इसमें टेस्टिंग वगैरह के काम चल रहे हैं। बीच बीच में बॉयलर वगैरह ऑन होते हैं, टेस्टिंग होती रहती है, भाप वगैरह निकलती रहती है, फोटोस वेपर वगैरह, और रात के टाइम का दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है इस फर्टिलाइज़र का, क्योंकि इसके अंदर इतनी लाइटें लगी हुई हैं कि आदमी को एक बार खड़े होके देखने के लिए लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी भी गोरखपुर में बाढ़ जैसी स्थिति है और चारों तरफ बहुत ही जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अभी खोरा बार ब्लॉक में मैंने देखा कॉलोनियों में नाव चल रही हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।